कोनिक की इंट्रोड्यूसिंग एएसी ब्रिक्स। ईंट मजबूत तो घर मजबूत। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद पिस्ता पैराडाइज। अतिथि होटल के करीब आईबी रोड। ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಯಾರೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ ಇದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾಜರೀನ್ ಅದಾಬ್ ಆಂಟಿ, ಮೇ ಆಪ್ ತಮಾಮ್ ಕಾ ಖೈರ್ ಮಕ್ದಮ್ ಹೈ. रायचूर शहर की जानी मानी शख्सियत, सियासी उफक में उनका खत बहुत ही ऊंचा है और लोग उन्हें बेहद चाहते हैं. उनका नाम है अन्नत बोसराज. आज उनकी सालगिरह थी, अगरचे कि वो सालगिरह मनाना नहीं चाहते थे क्योंकि रायचूर में हालात पानी की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुके हैं. दो अमवात भी हो चुकी है, लोग अस्पतालों में दाखिल भी हो चुके हैं. इन हालात को देखते हुए बोसराज ने अपने चाहने वालों से कहा था कि वो इस मरतबा अपना जन्मदिन की तकरीब नहीं मनाएंगे. इसके बावजूद आज सुबह 6 बजे से ही उनके मकान पर उनके कई चाहने वाले जमा हुए और उन्होंने शदीद इसरार किया कि वो उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं. चुनाचे चाहने वालों के इसरार पर उन्हें मजबूर होकर अपने जन्मदिन की तकारीब में हिस्सा लेना पड़ा. हालांकि उन्होंने तकरीबन आज 28 तकारीब में शिरकत की, लेकिन कोई तकरीब उनकी अपनी नहीं थी बल्कि उनके चाहने वालों की जानिब से ही तकारीब मुनक़िद की गई थी. रिमुशान तकरीब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिया ध्यान मंदिर में मुनक़िद की गई थी, जहां पर उन्हें और उनकी अहलिया को तहनियत पेश की गई. दोनों की गुलपोशी शालपोशी अमल में लाई गई. उसके बाद स्टेशन में जैना के मकान के करीब एक रिमुशान तकरीब मुनक़िद की गई, जहाँ पर केक काटा गया और सालगिरह की खुशियां मनाई गई. उसके बाद ओल्ड एज होम में भी एक तकरीब मनाई गई और बेसहारा बुजुर्गों के साथ भी बोसराज ने अपने जन्मदिन को मनाते हुए वहां पर ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया, यानी दावत ताम यानी खाने का इंतज़ाम भी वहां पर किया गया. उसके बाद वहां से दीगर जगहों पर तकारीब में शिरकत के बाद वो सियात तालाब में मोहम्मद शालम साबिक़ रुकन बल्दिया की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में उन्होंने शिरकत की. उसके बाद वहाँ से वो बारगाह हज़रत खुतबे रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में पहुँचे और वहाँ पर ज़ियारत की और सजानशीन व मुतवल्ली मौलाना अशरफ रज़ा की दुआएँ उन्होंने हासिल की. उसके बाद वहाँ से वो सालगिरह की तकरीब मनाई. इस मौके पर बंदा नवाज़ की जानिब से गरीब यतीम बेसहारा बच्चों के लिए दावत ताम यानी खाने का इंतज़ाम किया गया था. इसी तरह के कई तकारीब में उन्होंने शिरकत की. बेशतर तकारीब को हमारे नुमाइंदा इंडियन बादशाह ने कवर किया है, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए. Thank you.
A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के एक सीनियर कायद NS भोसराज के मकान में, और आज उनके जन्मदिन के मौके पर कई लोग उनके चाहने वाले उनके घर पर जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए आए थे। आइए, मेरे बीच मौजूद है कांग्रेस के एक सीनियर कायद और XDGP जनाब सैयद जावेद उल हक साहब। सर, A1 TV में आपका शुक्रिया। आज NS भोसराज साहब का 76th बर्थडे मनाया गया है। आज सुबह से ही 6 बजे से जो लोगों की धूप लगी है, इस ये लोगों को देखकर ही उनके क्या लीडर है बोलने का मालूम होता है। हर इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैस्ट, कोई कैस्ट का आदमी नहीं है यहाँ, बी ही इज बी के सेकुलर लीडर हैदराबाद कर्नाटक में सबसे बड़े लीडर है। 56 ईयर से उन्होंने आज तक पॉलिटिक्स कर लेता है, एक सेकुलर नाम है उनका। उनकी ये 76 जन्मदिन को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पूरे रायचूर शहर रायचूर के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। सन्मान्य श्री NS भोसराज साहेब हुट्टु हब्बद अंगवागि इवत्तिन दिवस नम्म रायचूर जिले एल्ला ಸಮುದಾಯದ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊನ್ನೆ NS ಭೋಸರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರ 75 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 76ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮುಪ್ಪಾಗಿಟ್ಟು ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಬ್ನ ಅವರು ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಹಾರೈಸಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಂತಹ ಲೀಡರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾರೆ. ಕೈ ಲೋಕಿ ದುವಾಯೆ ಅವ್ರ ಉಮ್ಮೀದೇವಿ ಹೇಸಿ ತರ ಸೆ ಮಾನ್ವಿಕೆ ವಸಂತ ನಾಯಕ್ ಬಾತ್ ಕರ್ನ ಚಾಹು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಛತ್ರರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ NS ಭೋಸರಾಜ್ ಸಾಹೇಬರ 76ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ನೀಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ನೀಡಲಿ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಯುವಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುರ್ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम सब मानवी से नौजवान कमेटी के तरफ से हमारे कुरैशी ख़ानदान और खादरिया ख़ानदान से हमारे जो लीडर NS भोसराज साहब का जन्मदिन का गुलकुशी करने के लिए इस दरगाह में आए थे। आज हम हमारी जो 20 साल की सियासत की उम्र में माननीय में उन्होंने तकरीबन 20 साल तक हुकूमत की, 10 साल भोसराज साहब किए, 10 साल हम पया सौकार करे, तो इसी तरह से हर कम्युनिटी वाले को जो पोस्ट देना था दे लेते आए। आज तक भी म्यूनसिपल चेयरमैन एक 10 साल से एक 10 सदना को तो अब पोस्ट देते आए, तो इसी तरह से जो माननीय में हर ताल्लुक में हर जगह इतने कामा करे, बिल्डिंग करे, SC ST के जो समुदाय भवन बनाए, हॉस्टल बनाए, कॉलेज बनाए और ईदगाह बनाए, इसी तरीके से हर समाज के लोग जो माननीय में नहीं, इसी तरह रायचूर में भी मैं देख रहा हूँ उनका दबदबा तो कायम है। आज रायचूर है, बेंगलुरु है, हर जगह से उनको तेलंगाना के भी उनको इंचार्ज दिया गया और क्या लिए दिए, तो उनके अखलाक, उनकी जो जद्दोजहद जो सुबह से शाम तक करते रहते लोगों की खिदमत, 4 बजे उठते, आज तक तो मेरे 60 साल की उम्र में कोई लीडर को नहीं देखा मैं सुबह को 4 बजे उठ को लोगों की खिदमत करने के लिए, तो हर कम्युनिटी वाले देख तो मैं घर का नहीं, हर कम्युनिटी वाला आदमी रहता। इसी तरीके से लीडरशिप बढ़ना बोले तो हर कम्युनिटी को अपने साथ रखना, जो हम मुस्लिम के रहनमा नहीं बन सकते देश में, हर कम्युनिटी वाला जब हम ना चाहते तो जब हम लीडर के एक नुमाइंदा बन सकते हैं, हर कम्युनिटी का काम करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं हर कम्युनिटी वाले का काम करे भोसराज साहब, जितने हमारे बचपन से 1978 से देख रहा हूँ मैं, जितने पुराने जो बेसबॉल रहते हैं विलेजेस में, तो क्या बेस को क्या बोलते उर्दू में, अगसे बोल रहे थे, पुराने जितने थे उसके अंदर से जाने डरते थे आदमी, वो गिर जाते थे। जो कोनापुर में अक्सा है वो भी पुराना था, आदमी लोग अंदर से गए तो कहाँ गिरता, कि ऐसे पुराने जो इमारतें हैं उसको फिर नए इमारतें बनाए। हालांकि आज हम देखते हर जगह जो भी जो प्रोग्राम रहता, अब हम सुबह उठ तो पेपर देखते, जो जद्दोजहद करता उन्हीं का नाम आता ना पेपर में, जो भी काम कर रहे हैं, इसलिए कि हर कौम भोसराज साहब है साथ रहेगी आने वाले दिनों में। सैयद नज़ीरुद्दीन खादरी, चेयरमैन मानवी। अस्सलाम वालेकुम। आज रायचूर शहर के अंदर NS भोसराज साहब का सालगिरह मनाने के सिलसिले में हम लोग भी यहाँ रायचूर तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि NS भोसराज साहब एक ऐसे वाहिद शख्सियत है पूरे ज़िले के अंदर कि भाई वो पूरी कौम को लेकर चलने का जो जज्बा NS भोसराज साहब के अंदर मौजूद है, उसी जज्बे की हम कदर करते हुए हम मानवी शहर से आज रायचूर खुतबे रायचूर के बारगाह में हाजिर होकर आपकी गुलपोशी की, और उसके साथ साथ मुसलमानों के लिए जो कौम व मिल्लत का जज्बा भोसराज साहब से हमने देखा है कि मानवी शहर के अंदर तकरीबन 20 साल से हम उनके साथ सियासत कर रहे हैं, लगातार बहुत से मुसलमानों को फ़ायदे पहुँचाए हैं, कौम के लिए बहुत से काम किए हैं, ना कि मुसलमानों के साथ बल्कि वो हर वो कम्युनिटी के साथ वो रहे हैं, इसीलिए हम इस वक्त उनको मुबारकबाद पेश करते हुए। खुतबे रायचूर हुजूर सैयदना शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रायचूर सरजमीन पर जनाब NS भोसराज साहब की यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करने के लिए मानवी सरजमीन से हम लोग आए हुए थे। हमें बहुत खुशी हुई कि मानवी सरजमीन के अलावा रायचूर सरजमीन के तमाम बरादरान क्या है आपके साथ कदम मिलाकर खड़े हैं आपकी इस खुशी में, तो बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। एक सेकुलर लीडर हैं, तमाम लोगों के ताल्लुक से बेहतरीन ख्यालात रखते हैं, और मानवी सरजमीन पर 20 साल तक आपको 2 मरतबा MLA बनाया गया और आपके दोस्त अंपया नायक साहब को भी 2 मरतबा MLA बनाया गया, तो ये मानवी के तमाम मुसलमानों के जो पुराने कदीम ख़ानदान हैं शहर के अंदर और अतराफ अकनाफ में, उन तमामों का क्या है, उनको बहुत सपोर्ट है, साथ है, तो हमारी दुआएं NS भोसराज साहब और NS रवि साहब के साथ भी मौजूद हैं।
है।